स्वरा प्लीज यार, स्वरा प्लीज ना मत मारो ना प्लीज, स्वरा 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 प्लीज। सुन मेरी बात, मैं अपने लिए कमाती हूँ तो उड़ाऊंगी भी, तेरे बाप का नहीं उड़ाती हूँ। स्वरा यार तुम मार क्यों रही हो मुझे, मैंने तुम्हें सिर्फ इतना ही तो बोला था कि देख कर खर्च किया करो। क्यों देख के खर्च करूं, तू है ना घर का खर्चा उठाने के लिए, अपने लिए कमाती हूँ मैं ना कि तेरे लिए। स्वरा यार जब भी मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ तुम मुझ पे हाथ उठा देती हो, गलत है ना ये? गलत है, अभी तो सिर्फ ये बेल्ट है, आगे चल के कुछ भी हो सकता है। और हाँ तुझे जिसको भी बताना है ना बता दियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गई यहाँ से। हेलो पुलिस स्टेशन सर, प्लीज आ जाइए। हाँ भाई किसने कॉल की थी? जी सर मैंने की थी। हाँ क्या बात होगी? वो सर मेरी वाइफ मुझे बहुत मारती है और आज तो उसने मुझे बेल्ट से मारा है। तेरी बीवी तेरे को मारती है? जी सर। अरे अरे भाई तू क्या बोल रहा है, तुझे पता भी है? अरे होश में है भी या नहीं? हाँ सर मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं सच कह रहा हूँ मेरी वाइफ बहुत मारती है मुझे। अच्छा तेरा कहने का मतलब ये है कि तेरी वाइफ तुझे पीटती है ना? सर मैं सच कह रहा हूँ, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, आप देखिए ना सर मेरे फेस पे चोट के निशान है, गर्दन पे चोट के निशान है, यकीन कीजिए ना सर वो बहुत मारती है मुझे। ओहो हो देखो तो जरा। अरे भाई बहुत चोट लगी यार तेरे तो। सुन थोड़ी ना कम पिया कर, दोपहर का टाइम हमारा रिमांड का होता है, देखियो कहीं तेरी रिमांड ले ले। देखा जनाब कैसे कैसे लोग हैं, अपनी वाइफ से पिट रहा है, अरे शर्म आनी चाहिए तेरे को। चले जनाब। और भाई देसी थोड़ी कम पिया कर। चलिए जनाब। क्या हुआ मैडम, किसने हाथ उठाया आपके ऊपर? सर मेरे हस्बैंड ने, वो मुझे रोज मारते हैं। कहाँ है आपके हस्बैंड? अंदर। सागर। जी सर। अरे क्या हुआ सर? क्या हुआ, अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है और पूछ रहा है क्या हुआ? हाथ उठाता है? मैंने कब हाथ उठाया? अच्छा ये तो झूठ बोल रही है ना। अरे सर मैंने कोई हाथ नहीं उठाया। अरे सर ये ऐसे नहीं बताएगा, इसको थाने लेकर चलते हैं, जब इसका वहाँ रिमांड होगा ना तब ये बताएगा कि क्यों मारता अपनी वाइफ को। अरे जब मैं बोल रहा हूँ मैंने हाथ नहीं उठाया। अरे जब तूने हाथ नहीं उठाया होगा तो ये झूठ क्यों बोलेगी, तूने हाथ उठाया तभी तो बोल रही है ना ये। अच्छा उन्होंने बोला और आप लोगों ने मान लिया क्योंकि वो एक औरत है? क्या मतलब? दीपांशु ये मेरा छोटा भाई है, जब इसने कंप्लेन की थी कि इसकी वाइफ इसे रोज मारती है तो आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अरे क्योंकि आपको लगा ये मर्द है, ये किसी औरत से कैसे पिट सकता है? अरे एक्शन लेना तो दूर, आपने इसका मजाक बना दिया, इस पे हंस रहे थे। और हाँ सर मेरे हस्बैंड मुझे नहीं मारते, ये सब सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए था कि आप सबके साथ ही ऐसा करते हैं या सिर्फ आपने दीपांशु के साथ ऐसा किया है, क्योंकि वो एक आदमी है। अरे मेरे एक बार बोलने पे कि मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं, आप मेरे हस्बैंड को पुलिस स्टेशन ले जाके रिमांड लेने के लिए तैयार हैं, बट दीपांशु ने आपको अपने चोट के निशान तक दिखाए पर आपने उस पर बिलीव नहीं किया क्योंकि वो एक आदमी है और वो अपनी वाइफ से पिट नहीं सकता या उसकी वाइफ उसे नहीं पीट सकती। अरे सर उसकी हालत देखिए आप, उसका मजाक बना के रख दिया आपने। अगर आज के टाइम में हम लड़के लड़की में भेदभाव नहीं कर रहे
तो कानून क्यों कर रहा है? कानून भी तो दोनों के लिए सेम होना चाहिए ना। I'm really sorry sir and I'm really sorry ma'am. सर मुझे लगा ये नशे में है और कहीं चोट खाकर आ गया है, अपनी बीवी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों कंप्लेंट करेंगे तो सेम एक्शन लूँगा। थैंक यू सर। चलिए मैं आपकी बीवी के खिलाफ एक्शन लेता हूँ।